तो भाई देखो कैसे मतलब किस तरह से मतलब पैकिंग के अंदर लाए गए हैं। ठीक है हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। आई होप कि गाइज आप सब लोग ठीक होंगे। अगर आप ठीक है तो गाइज प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें। तो गाइज आज हम पहुँचे हैं गांव पिंजूपुरा के अंदर और अपने एक छोटे भाई हैं गुरमीत सिंह, जिसने जो मतलब कि यहाँ पर एक कबूतरों के जो टूर्नामेंट कराई है, तो मैं आज आपको उस टूर्नामेंट से रूबरू कराता हूँ और कैसे यहाँ पर है कि लाखों कबूतर है जो आज एक साथ ही उड़ जाते हैं। तो आज मैं आपको उस कबूतरों का है जो बिल्कुल लाइव है जो वो दिखाता हूँ। तो आज मतलब इन सारे के सारे कबूतर है जो एक साथ उड़ाया जाएगा, जो सबसे लास्ट में होगा नहीं उसको है जो सबसे बारी है जो इनाम दिया जाएगा। तो मैं आपको एक बार उसके कबूतर उनका दिशा दिखाता हूँ कैसा कैसा नहीं, और कुछ ही टाइम के अंदर मतलब कि 5-10 मिनट के अंदर जो है कबूतर उड़ने वाले हैं। तो देखते हैं चलो उनके कबूतर कैसे हैं कैसे नहीं। और कहा जाता है कि कम से कम भी 70 से 80 गाँव के अंदर जो यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं और उनका है जो कबूतर एक साथ उड़ाया जाएगा। तो मैं आपको एक बार इसके कबूतर दिखा देता हूँ। तो भाई देखो कैसे मतलब कबूतर है जो मतलब पैकिंग के अंदर लाए गए हैं। ठीक है भाई, ये जो कबूतर को उड़ा दिया जा रहा है बारी बारी सर के। तो हम देखेंगे कैसे कि बारी बारी सर करके अपने अपने कबूतर जो उड़ाए जा रहे हैं। ए ओ डाल दी गए, और भी आने वाले हैं। तो कहा गया है कि 25 से 30 कबूतर है जो इसके अंदर टूर्नामेंट के अंदर शामिल है। तो उन 30 के 30 कबूतर है जो आज यहाँ पर उड़ने वाले हैं। गाइस कबूतर जो उड़ाए जा रहे हैं बारी बारी सर करके। तो गाइस देख लो कितनी ज़्यादा भीड़ हो गई है यहाँ पर, पब्लिक की पब्लिक का जवाने लग रही है, क्योंकि कबूतर के टूर्नामेंट इतने अच्छे होते हैं कि यहाँ पर जो लोग पूरा का पूरा मतलब कि एक मेला जैसा है कि हम कह सकते हैं माहौल बन गया है। इतनी ज़्यादा पब्लिक है, बहुत ज़्यादा पैर धरने की भी यहाँ पर जगह नहीं है। तो आप देख रहे होगे, तो अब ये 3 कबूतर और जो उड़ने वाले हैं आप देख रहे होगे। दादी भाई एक डापड़ा, किसका डापड़ा भाई? तो भाई जब ये दो कबूतर उड़ने वाले हैं, 3 है। तो गाइस कबूतर है जो उड़ा दिए गए हैं, और जिस भाई ने कबूतर उड़ाए हैं तो आप उनका नीचे का दृश्य देख सकते हो कैसा कैसा नहीं, कैसे मतलब कि अभी बाट में खड़े हुए हैं। तो आज गांव पिंजूपुरा के अंदर हम पहुंचे हुए हैं, जहां पर गुरमीत नाम के एक व्यक्ति है, उन्होंने जो कबूतरबाजी करवाई है, और वहाँ पर 70 से 80 कबूतर हैं जो आज उड़ाए गए हैं। और कहा जाता है कि पहला इनाम 51,000 रुपये है, और जिसकी एंट्री फीस रहेगी 5100 रुपये, 1100 रुपये, सॉरी गाइस 1100 रुपये एंट्री फीस है। और मैं अभी जो मंदिर के ऊपर जो चढ़वाऊँ, और उसके बाद आप देख सकते हो कैसे मतलब नीचे माहौल बना हुआ है दर्शकों का। गाइस आप देख सकते हो कैसे मतलब कि नीचे माहौल बना हुआ है दर्शकों का। गाइस जितने भी आप नीचे दर्शक देख रहे हो सबके सब जो कबूतर उड़ाए गए हैं। तो मैं आपको एक बार कबूतर तो शायद आसमान में नहीं दिखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार अगर दिखे तो, शायद सॉरी मैं कहना चाहूँगा क्योंकि अभी जो कबूतर इस साइड से नहीं दिख रहे, उस साइड से लेफ्ट साइड इस साइड अपोजिट साइड है इसके। तो आप देख लो गाइस पिंजूपुरा के अंदर पहली बार, हाँ दोस्तों पिंजूपुरा के अंदर पहली बार जो टूर्नामेंट कराई गई है, और ये टूर्नामेंट हमारे गुरमीत भाई जिसने कराई है। तो आप जितने भी नीचे दर्शक देख रहे हो सबके सब, जितने बच्चे देख रहे हो, जितने भी नौजवान साथी देख रहे हो, सबके सबके हैं जो मतलब कि कबूतर उड़ाए गए हैं। और देखते हैं कि शाम को कितने बजे लगे जो मतलब कि कबूतर ये मतलब कि उड़ते रहेंगे। तो वैसे आज हम शाम तक यहीं पर वेट करते हैं और देखते हैं कैसे मतलब कि कबूतर उड़ते हैं।
तो भाई जी यहाँ पर जो एंट्री फीस ली जा रही है और इसकी एंट्री फीस है जो 1100 रुपये रहेगी। और कैसे है जो भाई गुरमीत के साथ है जो लगा हुआ है तो वह एंट्री फीस लेने लग रहे हैं, क्योंकि एंट्री फीस होगी गाइस तभी ये मतलब कि प्रतियोगी का कराने का मतलब फ़ायदा है, टूर्नामेंट कराने का फ़ायदा है, क्योंकि 2 रुपये अगर मान ले टूर्नामेंट करवाने वाले को नहीं बचे तो उसका फ़ायदा क्या है, ठीक है? नहीं गलत बात। तो आज अभी यहाँ पर टूर्नामेंट की जो एंट्री फीस ली जा रही है और बात करते हैं इतनी ज़्यादा पब्लिक की, तो ये मेरा गाँव पिंजुकपुरा आपको दिख रहा होगा, गाँव पिंजुकपुरा के अंदर पहली बार मतलब कि कबूतरों की टूर्नामेंट कराई जा रही है, जीतेगा उसको दिए जाएंगे 51,000 रुपये। और ये हमारा गुरुदास मंदिर है उसके अंदर जो टूर्नामेंट कराई गई है। तो अभी सभी के सभी बच्चे नू देख रहे हैं, सभी के सभी मतलब कि नौजवान साथी जी जिसने कबूतर उड़ाया है तो नू देख रहे हैं भाई हमारा जो कबूतर है कहाँ तक उठा है, गिरा है कि नहीं गिरा, क्योंकि ये टूर्नामेंट वैसे भी शाम तक चलेगी। तो हम आपको एक बार इसके है जो सबकी नज़र अपने कबूतर पर है ताकि कोई कबूतर गिर ना जाए, क्योंकि जैसा कबूतर गिर गया वो है टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। तो भाई जी है गुरमीत जी ने अपने भाई ने जो टूर्नामेंट कराई है बहुत बहुत धन्यवाद, गाँव पिंजुकपुरा के अंदर पहली बार है जो मतलब कि कबूतर की टूर्नामेंट कराई है, तो भाई ने बहुत बहुत बधाई हो और कोशिश करा कि भाई क्या जो कबूतर भाई जीते है, ठीक है? ठीक है भाई गुरमीत ठीक कौन बोलता है, आई बड़ा बोला ठीक है इसका कबूतर उड़ रहे बड़ा बोला था यार।